हेलो दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन को ऑन द एचटीएमएल पेज डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको कैसे हम मतलब यूज कर सकते हैं हमारे कोडिंग में। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। अब मैं यहाँ पर इसी चीज को फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर उसको एचटीएमएल से अटैच कर सकते हैं, ये बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये बना बनाया हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फोल्डर में जाकर एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट का नाम मैं दूंगी style.js। ओके, ये मेरा style.js है, इसको मैं ओपन करूंगी। तो इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ एडिट विथ नोटपैड करूंगी। ये हमारा एडिट नोटपैड में ओपन हो गया। अब उसके बाद यहां पर से मैं इस फंक्शन को कट करके इस फाइल में सीधे के सीधे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब क्या करूंगी, ये स्क्रिप्ट टैग हमारे पास जो बना है इसका मैं यूज करूंगी इस फाइल को डिफाइन करने में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी src source, source डिफाइन कर रहे हैं हम, और यहाँ हम सिंपल लिखेंगे style.js। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ style.js इसलिए लिखा क्योंकि ये फाइल जो है और index.html फाइल जो है वो एक ही फोल्डर में रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम हायरार्की पे हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूंगी और जब मैं अपना पेज रन करूंगी तो ये वैसे का वैसे ही काम करना चाहिए। अब ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये फिर एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि चेंज टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसको ये जो मेथड, ये जो पेज है, ये इसे नहीं मिला। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इसे ये पेज क्यों नहीं मिला। तो ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने इसे नीचे डिफाइन किया है। अगर मैं इसको ऊपर डिफाइन करूंगी तो इसे मिल जाएगा। अभी भी नहीं मिला।